कमिश्नर साहब, वेलकम वेलकम। राय साहब मुबारक हो, ये आपके आने का वक्त है। जयमाला से पहले तो पहुंच गया हूं ना। ठीक है आइए। नहीं, शादी नहीं, नहीं डैडी, डैडी मैं शादी नहीं करूंगी, डैडी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या बात है बेटे, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे तो कौन कम वक्त तेरी शादी करा? जरूर कोई तूने सपना देखा है। अरे तू तो ऐसे नर्वस हो रही है जैसे नीचे तेरी बारात खड़ी। ना नॉर्मल तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ना ये शादी के लिए तैयार होगी, ना दरवाजे पर बारात आएगी। लो आ गए शादी के पब्लिसिटी एजेंट। मैं पूछता हूँ तुम औरतों को शादी के अलावा और भी कुछ पूछता है क्यों बेटी? यस डैडी। तू चुप कर। मैं पूछती इस लड़की को जिंदगी में घर में बैठाने की इरादा है क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तो कहा था जब वक्त आएगा अपने आप शादी हो जाएगी। क्यों बेटी? यस डैडी। ओफो, तुम बाप बेटी मिलकर मुझे पागल बना दोगे। अरे भाई शादी करके मैं कौन सा सुखी हूँ? क्या मुझसे शादी करके आप खुश नहीं? नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। जवाब दीजिए, आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? बात ये नहीं है। बात और क्या हो सकती है? आप मुझसे शादी करके खुश नहीं? ये तो पीछे बैठ गई, मुझे दफ्तर जाना है। रामू शामू मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप मुझसे शादी करके खुश नहीं? ओ जबान फिसल गई थी। जबान फिसल गई? कैसे फिसल गई? आई लव यू। जूनियर। अबे आंखें खोल और दुनिया देख, फिल्म स्टार जूनियर महमूद नहीं, तुम्हारा बाप मोटरसाइकिल चैंपियन हवा वाला। कमाल चैंपियन भाई, ऐसा कमाल तो हम एक बार फिल्म के पर्दे पे देखा, दूसरा बार आपका मुंह पे देखते हैं। अरे इस नकली चेहरे का असली कमाल तो तुम लोग 11:60 पर देखोगे, जब मेरी कुकू, आपकी कुकू, मेरी कुकू, तुम्हारी कुकू, हमारी कुकू, योर कुकू, यस यस माय कुकू, जब मेरे पीछे तुम हिलाती जाएगी। मेरे को तो तुम्हारा कोटा खड़ा मालूम होता है। सवेरे को बाटून गया था केम। क्यों क्यों? अरे घेर चेहरे से डिक्री हीरो के चेहरे पे मटी हीरो के केम सट्टू। यस इफ यू वांट गेट कुकू इन काबू पुट सम हीरोस थोपड़ा ऑन योर फेस। वो ठीक है यार, लेकिन कुकू के आने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है और इतनी जल्दी मुझे किसी हीरो का थोपड़ा कहाँ से मिलेगा? हम तो कहें आप खुद किसी हीरो से कम है क्या? चलना। यस योर फेस लुक्स लाइक अ विलेन। 32 दबा को नाक में हवा भर को अगर आप चलेंगे ना तो आपका थोपड़ा प्रेम चोपड़ा से कम नहीं लगेगा। आ गई, अरे आ गई, अरे आ गई, अरे चली गई। हाय बाबा। हाय। Let's go for a ride. Okay, okay. Come on. प्रेम चोपड़ा जिंदाबाद, प्रेम चोपड़ा जिंदाबाद, प्रेम। भाभी आप ये न समझिए कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, मगर ये मामला रोज का हो चुका है। कुक्कू को काबू में करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि आप उसकी शादी कर दीजिए। अच्छा भाई साहब नमस्ते। सुना आपने? मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ, मैंने जुलाब लिया है। तुम कुछ कहोगी तो डबल डोज हो जाएगा। मैं कहती बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम भी ये गोली ले लो। भाड़ में गई आपकी गोली, मुझे जहर दे दो ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। ओहो आखिर बात क्या है? बात क्या होगी, खान भैया से शिकायत आई है। तो उसको भी एक गोली भिजवा दो। आपका भी दिमाग खराब मालूम होता है, आपने अपनी बेटी को सर चढ़ा रखा है। मैं कहती हूँ जल्दी से उसके हाथ पीले नहीं कर दिए गए तो हमारा मुंह जरूर काला हो जाएगा। ओहो डार्लिंग, उस कमिश्नर की पहली शिकायत तो है। और हाँ, अगर उसे अपनी भतीजी का इतना ही ख्याल है तो उसे खुद क्यों नहीं शादी के लिए समझाता? वो क्या समझाएंगे, मैं उसे सीधा करूंगी। मैंने एक लड़का पसंद किया है, उसे आपको भी पसंद करना पड़ेगा, आपकी बेटी को भी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मुझे इतना भारी जुलाब देने वाली हो तो मैं दूसरा क्यों लेता। एक बात और, आज आप अपनी बेटी से डट के बात करेंगे, दब के नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, समझ गया। हाय डैडी। हेलो बेटे। क्या बात है डैडी, आज आप बहुत नर्वस लग रहे हैं। कुछ नहीं, जुलाब लिया है। व्हाट नॉनसेंस डैडी, आज आपने मुझसे मेरी रिपोर्ट भी नहीं पूछी। तेरी रिपोर्ट मैं तुझे सुनाती हूँ, कान खोल के सुन ले। आज से तेरी फटफटी वटफटी बंद। व्हाट? हमने तेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। क्यों जी? हाँ जी। डैडी आप भूल गए मैंने आपसे क्या कहा था। जब मुझे अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। तू क्या बताएगी, मैं तुझे बताती हूँ। यही वो लड़का है जिसे पाकर तू अपना जीवन स्वर्ग बना सकती है। मालिक दया करो, मालिक दया करो। हाँ? साहब, मारने और गोलियां चलाने से आपको हमारी लाशें तो मिल सकती हैं, मगर आपका रुपया नहीं मिल सकता। बेटे, अरे काहे को झगड़ा करता है रे। चल उठ उठ उठ, चल चल बेटे चल। क्यों मैं चौधरी, तूने तो कहा था बस्ती का सारा किराया 2 दिन में मुझ तक पहुंच जाएगा। कहा तो था मालिक, कहा तो था, लेकिन 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 लगता है तुमने इस जमीन को अपने बाप की जागीर समझ लिया है। कान खोल के सुन ले चौधरी, मैं इस जमीन पे एक आलीशान होटल बनाना चाहता हूँ। इसलिए इस जमीन को जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों के मनहूस कदमों से पाक कर देना चाहता हूँ। बेटा, होटल बना लेने से तुम्हारी तिजोरी में दौलत की बढ़ोतरी तो हो जाएगी, लेकिन दौलत से कभी इंसान अपना पेट नहीं भर सकता। आत्मा की प्यास तो सच्चे कर्मों से ही बुझती है। बुढ़े, इसलिए मैं तुम जैसे जलील लोगों को अपने सर पर बिठा लूं। यही ना चौधरी, मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं, अपनी जमीन मांगने आया हूँ। अगर जीते जी आग में जलना नहीं चाहते हो तो 3 तारीख के अंदर अंदर अपने आदमी को लेकर यहाँ से दफा हो जाना, वरना याद रखना चौधरी, आग सिर्फ जलाती है, रहम नहीं करती, समझे? सुनो और सुनो मेहरबानों, ना मेहरबानों, भाइयों और बहनों, बूढ़ों और जवानों, मर्दों और ना मर्दों। अरे ओ कबूतरों, मीठा था कि फीका वो मैं बताता हूँ। ये क्या है? अरे देख नहीं रही हो, हजामत करने का उस तरह है, उस तरह। हाँ, मगर इससे बाल नहीं कटते, गर्दनें कटती हैं। अगर 3 तारीख तक ये जमीन साफ ना हुई तो गांव के लोगों की गर्दनें साफ हो जाएंगी। अबे ओ दुश्मनों की चौखट चाटने वाले कुत्ते, जमीन परमात्मा की है, तेरे बाप की नहीं। तू हमारी गर्दनें काट कर भी तू हमें मार नहीं सकता, क्योंकि धरती माँ पे कुर्बान होने वाले कभी नहीं मरते, अमर हो जाते हैं, समझा? चलो यार, इन लोगों के मुंह क्या लगते हो, वक्त आने पर इन्हें भी दिखा देंगे। चलो। अरे जा, जा। दिखाने वाला। बेटा, बेकार की तू तू मैं से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। समस्या भी हल हो जाएगी काका, 3 तारीख आने में अभी बहुत वक्त है। भगवान पर भरोसा रखो, जो भी होगा ठीक ही होगा। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द टाइम? 5 o'clock। नो, इट इज 10 o'clock। यू आर वेरी रॉन्ग। अरे रामू, वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से जाकर नाश्ता बना। इस घर में इतने पुतले क्यों हैं? उधर रख, उधर रख। गुलदस्ते को कहाँ रखूं? इधर भी पुतला। अबे बॉडी स्टॉट। यस मेजर, कम हियर। इसके यहाँ भी नहीं है, इधर रख देते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अच्छा है ना? अबे बेबी के कपड़े तैयार किए कि नहीं? कर दिए तो कुछ और कर। वो बाथरूम का फ्लश ही कर, फ्लश ही कर। अबे पीटर स्टॉट, जल्दी कर, जल्दी कर। लो, वहाँ भी बासी फूल है। लो, मेरा भी दिमाग खराब है। अरे प्लास्टिक के फूल में खुशबू कहाँ से आएगी? मगर मैले हैं, जल्दी साफ कर यार। मिठाईलाल, 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 आओ हमारे साथ। अरे कुक्कू, कुक्कू, अरे कुक्कू, अरे बेटे तू तैयार नहीं हुई? कमाल है, वो लोग आते होंगे। अरे जल्दी से साड़ी गहने पहन ले बेटा। अरे मंदा, जरा हमसे कहते प्लेटें लगा दे। अरे बेटे जल्दी से तैयार हो जा। देखा ना, मैं पान आना भी भूल गई। जल्दी से है मेरी गुड्डी रानी। है बेबी, इस खुशी के मौके पर मुझे इनाम जरूर मिलना चाहिए, जरूर। मेरी जान मुसीबत में है और तुम्हें इनाम चाहिए? भागो यहाँ से। अरे बेबी, इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मेरा दिल बड़ा नाजुक है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से भागने के लायक भी ना रहूं। मेरा दिल। Thailand. Yes, baby. Sweet red. Very, very much red, red. तुमको इनाम चाहिए था ना? No, of course, of course, of course. तो अपना कोट उतारो ना। उतारता हूँ ना। कोट उतारो। वैसे इनका कारोबार क्या है? अजी, 10 फैक्ट्रियां हीरे तराशने की, जिसके सिलसिले में इसको दुनिया भर के मुल्कों की खाक छाननी पड़ती है। अब देखिए ना, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला यहाँ तक आने का। बस राय साहब, मेरी तो एक ही तमन्ना है, इसकी शादी हो जाए और ये इंडिया में सेटल हो जाए। मैं तो तंग आ गया उसका बिजनेस देखते देखते। और राय साहब, अब आपकी और मेरी उम्र तो पोते पोतियां खिलाने की है ना। माफ कीजिएगा भाई साहब, आज सुबह से कुकू की तबीयत खराब है। इस वक्त भी बुखार से बदन तप रहा है, इसलिए माफी चाहती हूँ। अरे इसमें माफी मांगने क्या बात है? जब बच्ची की तबीयत खराब है तो उसे तो आराम करना ही चाहिए। हमारा क्या है, हम तो घर के आदमी हैं, फिर किस दिन चले आएंगे। अच्छा राय साहब, इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते 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 राय साहब, चलो। अच्छा, ये क्या हरकत है? ये हरकत मैंने नहीं, आपकी लाडली बेटी ने की है। आइए मेरे साथ। देखा आपने? मैं जानती हूँ मेरी इस हरकत से आपको बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन डैडी, हरकत में बरकत है। मैं अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढने जा रही हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि उसके मिलते ही उसे लेकर सीधे घर वापस आ जाऊंगी। देख लिया अपनी लाड प्यार का नतीजा। लाड प्यार का नहीं, तुम्हारी जबरदस्ती का नतीजा। लेकिन अब किया गया अच्छा। करेंगे क्या? जल्दी से पुलिस में फोन कर दीजिए ना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। पुलिस में रिपोर्ट करके अपनी इज्जत मिट्टी में मिलवा दो। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है भाई साहब। कुक्कू अगर आपकी बेटी है तो मेरी भतीजी भी है। तो भैया कुछ कीजिए ना। आपके कहने के मुताबिक अगर वो अपनी सहेली के पास बड़ौदा जाने के लिए निकली है तो मुझे यकीन है वो रास्ते में जरूर मिल जाएगी। Champion Baba, let's go for a ride. Come on. सत्यानाश कर दिया। अबे जब भी मैं रबड़ी खाने बैठता हूँ तू आके मुंह धोने लगता है इसमें। शट अप मुझसे शट अप। अरे बेटा आज मैं तेरी भाग जा। अरे मेरे होने वाले ससुर जी मैं पूछता हूँ तेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे कपड़े कुक्कू पहन कर भाग गई। तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? भागती के पीछे मस्ताना, मुझे समझो न दीवाना। मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। मैं हूँ राही मस्ताना, मुझे समझो न दीवाना। मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। हम जो महके बहारे, हम हंसे तो हंसती है कलिया। हम रुके तो रुक जाए राहें, हम चले तो चलती है दुनिया। मैं हूँ राही मस्ताना, मुझे समझो न दीवाना। मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। मुझे समझो न दीवाना, मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। सबके बिगड़े काम बनाना, अपनों से है यारी अपनी, घरों को भी अपना जाना। मैं हूँ राही मस्ताना, मुझे समझो न दीवाना। मैं जमाने से नहीं हूँ, मेरे दम से है जमाना। मालूम होता है गाड़ी से गिरकर कोई बेहोश हो गया। आओ आओ। हाँ चलो चलो। पानी का छींटा मारो, देख क्या रहे हो? हाँ। बाबा ये शक्ल से तो कोई रईस ज्यादा लगता है, और रईस लोग इतने प्यार से होश में नहीं आते। फिर आप हटिए, मैं अभी इसके होश ठिकाने लाता हूँ। Hey, what a beautiful place! क्या समा है, क्या फिजा है, क्या जगह है। देखा बाबा, बोलती चालू हो गई। क्या चालू हो गई? मैं आपसे नहीं, इनसे बात कर रहा था। यू एक्सीडेंट मेरा हुआ और बात आप इनसे कर रहे हैं। यू एक्सीडेंट आपने मुझसे पूछ के किया था। ओह सॉरी। अच्छा ये बताओ, मैं अपनी मोटरसाइकिल कहाँ ठीक करा सकता हूँ? चांदों में। अरे यार तुम तो नाराज हो गए। तेरी मेरी यारी कब से हो गई? शर्माता तो ऐसे है जैसे लड़कियाँ सुहाग रात को शर्माती हैं। मिस्टर ट्रक वाला, अगर लिफ्ट देनी है तो सीधी तरह दे, वरना अपना रास्ता ना आप चल हटपट। ओहो, तो बात अब लिफ्ट तक आ पहुंची है। सुन लौंडे, तू दिखने में तो काफी शरीफ दिखाई देता है, मगर बातों से अव्वल दर्जे का लफाड़ी। मुझे तो लगता है तू जरूर किसी लौंडिया के चक्कर में घर से भागा है। घर से भागा हूँ या घाट से, तुझे ऐसे क्या? लिफ्ट नहीं चाहिए क्या? तू मुझे लिफ्ट देगा? हो जाए। क्या हो जाए? अबे ड्रामेबाजी छोड़ और मोटरसाइकिल लेके शरीफ बच्चों की तरह ट्रक में बैठ जा। मुझे देर हो रही है, समझा? सावन के नजारे हैं, लला लला। सावन के नजारे हैं, लला लला। अबे यहाँ क्या सूंघ रहा है? अरे सूंघ नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा है? अपनी अकल। अरे अपनी अकल नहीं, मेरे होने वाले सतुर जी, तुम्हारी अकल जो तुम्हारे पैरों के नीचे दबी हुई है। ये क्या है? ये जैकपॉट है। जैकपॉट? हाँ। अरे यही तो बेबी की मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है, मगर मालूम होता है यहीं पर कोई गड़बड़ हुई है। गड़बड़ तो हुई है, पर बेबी कहाँ है? बेबी कहाँ है? 319 और ये 420। पहलवान जी, पहलवान क्या है? आपने इधर किसी मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट देखा था? नहीं बताऊंगा कि उसने बिस्किटी कलर की पैंट और लाल रंग का स्वेटर और लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। अरे तो बता दो ना कि उसने लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। नहीं बताऊंगा कि उसको लाल रंग के ट्रक वाले ने लिफ्ट दी थी और वो ट्रक इस तरफ गया। अरे तो बता दो ना कि वो ट्रक इस तरफ गया। अरे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा कि उस ट्रक का नंबर 6086 था। नोट नोटेड मी लॉर्ड। नोटेड? क्या नोटेड? क्या तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ के रखा? बेवकूफ हम लोग हैं भाई। मत्था उठाओ ससुर जी, हनुमान भक्त चले गए। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा पहलवान नहीं देखा कि जो कहता है मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मगर सब कुछ बता दिया उसने। मगर अब बात ये है, मालूम तो हो गया, अब करें क्या? करें क्या? भागती के पीछे भागो। भागो की होने वाले सतुर जी, बोलो। मैं तो भागती के पीछे भाग रहा हूँ, मगर तुम भागती के पीछे क्यों भाग रहे हो? बेटा मिठाई लाल, राय साहब करोड़पति आसामी है ना? तो जब उनकी भागती हुई बेबी को पकड़कर हम लोग उनके सामने तस्तरी में पेश करेंगे, तो कम से कम 50,000 तो कहीं नहीं गया ना? ठीक है, तो उसमें आधा मेरा आधा तुम्हारा है। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है, करनी है ना, तो आधा हिस्सा तुम्हारा जो है वो मुझे देना। अच्छा मंजूर है। अब हमारा जानवरों का शिकार करना बिल्कुल बंद। क्या? फिर किसका शिकार करेंगे? लड़की का। लड़की का? व्हाट नॉनसेंस। घबराओ नहीं डार्लिंग, ये माल के लिए लड़की के पीछे दोनों लगे हुए हैं और हमें इनका पीछा करना है। वेरी गुड आइडिया। भाभी आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। लड़कियां इस उम्र में कभी कभी ऐसी गलती कर बैठती हैं। क्यों भांजे? अरे मामा मैं तो कह रहा हूँ राय साहब और मम्मी को सारे हालात मुझ पे छोड़ देने चाहिए। ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने होने वाले ससुराल की इज्जत बचाऊं। अरे बेटे तुमने ये बात कहकर हमारा दिल हल्का कर दिया। तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो हमारी सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। राय साहब अजीत बेटे ने कुक्कू बेटे को ढूंढने के लिए 2 आदमी ऑलरेडी भेज दिए हैं। लौंडे एक बात पूछूं? तू मुझे बार बार लौंडा ना कहा कर। लौंडा नहीं तो क्या लौंडिया कहूं? यूपी में लौंडा लड़के को कहते हैं। एक बात बता तेरा नाम क्या है रे? सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा? सोचा सिंह। माँ बाप ने मेरा नाम सोचा सिंह रखा था लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अपना नाम बदल कर समझदार सिंह रख लूं। अच्छा ये बता तेरा नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम गोपाल है मगर खूबसूरत लड़कियाँ प्यार से मुझे गोपी कह के पुकारती हैं। यार मैं भी तुझे गोपी कहूँगा। जबान खींच लूंगा। तू अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता है क्या? और तू अपने आप को बड़ा गुलफाम समझता है क्या? हाँ हाँ समझता हूँ। किसी के बाप का डर है। ए देखा बाप तक नहीं पहुँचना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। साला मेरी गाड़ी में बैठकर मुझे धमकी देता है। उतर जा। मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी से उतर जा। लो अब इसमें उतरने चढ़ने की बात कहाँ से आ गई? अगर तुम्हें मेरा गुलफाम कहना इतना ही बुरा लगता है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। मुझे माफ नहीं करोगे? क्षमा निकाल। क्या निकाल? माचिस। ओफो मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। क्या तू बीड़ी सिगरेट नहीं पीता? नहीं। तो क्या अभी तक अपनी अम्मा का दूध पीता है? तू तो बात बात पे रुबाब झाड़ता है। ला तू भी क्या याद करेगा। अभी जलाकर लाता हूँ। तुमने देखा है? चुप। अब मैं पूछता हूँ। हम दोनों पुलिस वाले हैं। तुम पूछो। यहाँ से जाते हुए देखा है? फट फुट फट फुट। अब मैं पूछता हूँ तुमने कोई मोटरसाइकिल देखी है? मोटरसाइकिल यानी के फटफटी जिसका नंबर है 1680। नहीं चुप। MMC 1860। अब मैं पूछता हूँ। अब मैं बोलता हूँ। हेलो चलो मेरे साथ चलो। हम लोग कहाँ तक गए? अरे किधर गया? उधर है। कहाँ है? गाड़ी तो वही है 1860। हाँ MMC। गाड़ी तो मिल गई। वो मिल जाएगी। मिल जाएगी। गाड़ी तो यही है। बैठने वाला किधर है? किधर है? बैठने वाली नहीं बैठने वाला है। अरे हाँ भाई मगर है किधर? पहले ये बताओ वो है कौन? वो चोर डाकू उसने मेरा मर्डर किया है। नहीं उसने मेरा पॉकेट मारा है। चोरी की। तो वही ना जो बिस्किट कलर का सूट लाल रंग का स्वेटर लाल रंग की टोपी पहना। हाँ तो वो यहाँ गया। सुनो माचिस है क्या? बीड़ी है। पकड़ो। पकड़ लिया। आप भी पकड़िए। थैंक यू। जंगल मंगल। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। साले के पीछे पुलिस लगी थी। जरूर कोई चोरी करके भागा होगा लेकिन मुझे उससे क्या। अरे कौन? अरे धीरे खींच रहे। उठ यार। अबे मैं हूँ रे कमल के बा, चल बैठ। थैंक यू। क्यों जला दी? सोना नहीं है क्या? एक साथ? क्यों? डर लगता है क्या? जब से चाबी हाथ लगी है बहुत बोलने लगा। अबे ये क्यों नहीं कहता कि तेरी बोलती बंद हो गई? कोई बात नहीं, हर किसी के दिन आते हैं। इस वक्त तो रात है यार, चला जा झप्पी मार के सो जाए। अबे हट, बड़ा आया झप्पी मार के सोने वाला। अरे मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो बोलता ही जाता है, पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गया मेरे। झप्पी मार के सोएंगे। है लौंडे, जरा माचिस फेंक दो। सो गया क्या बे? ये तो सचमुच सो गया। साले, तेरे पैर तो पाकीज़ा से भी ज्यादा नाजुक हैं, हैं? मैं नहीं जानता था कि इसकी चाबी इतनी जल्दी मेरे हाथ लग जाएगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ससुर जी, हो ना हो बेबी उसी ट्रक के अंदर है। चलो चल के अपना कार्यक्रम शुरू करें। उस पहलवान के हाथ में हैंडल नहीं देखा? अगर मैं मर गया तो तू मेरी लाश पर रोने के लिए भी नहीं रुकेगा। अरे ये काम तो बड़ी खुशी से करूंगा। क्या बोला? अबे तू इंसान है या मक्खी? जब भी मैं रबड़ी खाने बैठता हूँ मेरे पेट में आके गिरता है। बिल्कुल झूठ। जब भी मैं गिरता हूँ तुम रबड़ी की प्लेट मेरे सामने रख देते हो। झूठ है इल्जाम। रबड़ी का रगाब वाह क्या स्पीड है तेरी? अरे अपना तो हर काम स्पीड में होता है बच्चे। तो फिर जाए। हाँ थटा कर बात कर। अबे इतनी सी चोट पर इतना चिल्लाता है? चल केला खा, ले ले। अबे लड़कियों की तरह क्या खाता है, लड़कों की तरह खा। क्या अंदाज! अगर तू लड़की होता ना तो मैं बकरियों की तरह मैं क्या करता है? बकरियों की तरह नहीं, बकरों की तरह। फिर आज चालाकी शुरू कर दे। हट। अच्छा चल ये बता, तूने कभी प्यार किया है? प्यार? अबे बोलना साले, तूने कभी इश्क किया है? बोलता हूँ यार। मेरे पिताजी ने एक बार एक काला कुत्ता पाला था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। बस ऐसे? अबे खोचू, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसान। फिर वो हरकत। मुझे प्यार व्यार नहीं आता। अबे साले, प्यार वो चीज है जो एक बार इंसान को हो जाए तो फिर खलास, जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता, इसी के सहारे जीता है, इसी को लेके मरता है। अच्छा मैं तुझे सिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए तू ये समझ ले कि तू लड़का नहीं लड़की है। क्या लड़की? हाँ, और मैं तेरा आशिक। तेरा मेरा झगड़ा हो गया है और मैं तुझे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐ मेरी जाने बहार, ऐ मेरी गुले गुलजार, ऐ मिस्टर आशिक बगदाद, जरा होश में आओ। होश तो अब तेरे ठिकाने आएंगे। कहाँ जा रहे बे? कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं, कहीं नहीं जाते। तू 5 मिनट ठहर, मैं 1 घंटे में आता हूँ। 5 मिनट? एक बताओ तुम कौन हो और क्यों हमारे पीछा कर रहे हो? उस लड़के ने मुझे आग मारी। अरे आँख ही तो मारी है ना, पत्थर थोड़ी मारा है। देखो भाई, कभी कोई लड़का लड़के को आग मारता है, वो पठान है क्या? अबे गोचू, वो लड़का नहीं लड़की है। लड़की? गौर से देख। उसकी नीली नीली आंखें, हाँ। उसके गोरे गोरे गाल, इसके लंबे लंबे बाल। अरे अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। खोचू, अगर इस तरह जाएगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? जूते पड़ेंगे, जूते। तो क्या करें? यार मैं कोई तरकीब लड़ाता हूँ। जल्दी लड़ा। मुरारी भागता कहाँ है? पूरी तरह तैयार तो हो जा। ओ, चल शुरू हो जा गुजराती हीरो। के अंदर लड़की मुझे भूख लगी है तगड़ी, लड़के के अंदर लड़की मुझे भूख। अबे चल हवाला दे, चल चल पागल कहीं का। अरे कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे। चले के भागेगा यहाँ से। खाना खाना? हाँ, मैं तो कुछ खाता भी नहीं। सिर्फ 2 बजे दिन के 12 प्लेट बिरयानी, 13 प्लेट जर्दा, 14 सेर दूध की खीरनी खाकर सो जाता हूँ। बाकी कुछ नहीं खाता। हाँ। कुछ नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। गोपी गोपी। हाय मेरे ख्वाबों के मालिक, खड़े मेरे दिल का करार। कौन हो तुम लोग? रजिया, सुल्ताना, तेरा नाम क्या है रे? कमाल है तुम लोग, छोड़ो मुझे। आय हाय, पहले नाम तो बताओ। अरे इतना घबराता क्यों है रे? अब्दुल्ला। अरे ए ए ए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला दिल मेरा। कैसे शर्माए, कर प्यार तू खुल्लम खुल्ला है अब्दुल्ला, दिल मिला लियो अब्दुल्ला। ये तो मर गया। अब क्या होगा? सबसे पहले लाश को नमस्कार करना चाहिए। शिवजी राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य है। क्या हुआ? पहले तो आधा मरा था, पूरा मर गया। अब क्या होगा? होगा क्या, पुलिस आएगी और तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाएगी। नहीं नहीं गोपी, नहीं, मेरी मदद करो ना। ठेका ले रखा है क्या? तेरे मेरा वास्ता ही क्या है? पहले तू लड़का बनी, फिर चोर बनी, फिर लड़की बनी और अब खूनी बनकर मेरे सामने खड़ी है। मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मैं चला, गुड बाय। नहीं नहीं गोपी, प्लीज। गोपी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। पहले पैर छोड़, खड़ी हो जाओ, आंसू पोंछो और अब नाक साफ करके ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है। मैं राय साहब की बेटी कुकू हूँ। कुकू? हाँ, वही राय साहब जिनका कारोबार सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ। हाँ वही। हा? वो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करना चाहते थे। यही वो लड़का है जिसे पाकर तू अपना जीवन स्वर्ग बना सकती है। अच्छा, तो आप घर से भागी हुई हैं। यू अंडरस्टैंड माई पोजिशन। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? न्यो, क्या भरोसा अगर तेरे बाप ने मुझे पकड़कर तेरा दूल्हा बना दिया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। ए तीसमार खान, जरा देख तू क्या बुराई है मुझ में? अच्छाई भी क्या है तुझमें? अच्छाई? ये लंबे लंबे बाल, ये गोरे गोरे गाल, ये नीली नीली आंखें, क्या मैं तुझे खूबसूरत नहीं लगती? वैसे तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। सिर्फ आंखें? फिलहाल तो आंखें ही दिखाई दे रही हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। आई एम गोइंग, गुड बाय। ए, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। थैंक यू। ये थैंक यू बाद में करना, पहले जाके ट्रक में बैठ जाओ, मैं लाश ठिकाने लगाता हूँ। अबे सो गया था क्या? हाँ, जरा नींद आ गई थी। लड़की कहाँ है? लड़की ऊपर है। हाँ, और तेरा काम 100 फीसदी हो गया है। थैंक यू। मैंने लड़की को पटा ही लिया। अच्छा। लेकिन तू अभी उससे मत मिल। क्यों? वो बहुत गुस्से में है। फिलहाल तू पतली गली से खंबे को बचा के निकल जा घर। मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे निकल जा, मेरी बात मान। मैं लड़की से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तू जब भी देखो मुझे लल्लू। अरे 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 काय को बांधता है? बचाओ बचाओ। क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे देख, अरे मुझे क्यों बांधते भाई? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब मुझे छोड़ो। चाली हो। देखो मेम साहब, जान जोखम में डाल के तेरी जान तो बचा ली, अब बदले में क्या मिलेगा? क्या चाहते हो? तो की दूंगी। प्रॉमिस? तुम मांग कर तो देखो। तो हो जाए? क्या हो जाए? वही क्या, जो एक बार इंसान को मिल जाए तो बस खलास, जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। जानती हो वो चीज क्या है? प्यार। थक गई मैं तो चलते चलते। इतनी जल्दी चलते चलते? उफ़ रे मोहब्बत चलते चलते, हाय जवानी चलते चलते। प्यास लगी है चलते चलते। प्यास बुझा दूं चलते चलते? पास तो अच्छा चलते चलते, फिर वही हरकत चलते चलते। मिल गया बुद्धू चलते चलते। ये नहीं कहना चलते चलते। इतना गुस्सा चलते चलते? जाता हूँ मैं चलते चलते। जाके तो दिखा चलते चलते। ला मेरा बाजा चलते चलते। एक शर्त पे चलते चलते। कैसी शर्त पे चलते चलते? दीदी चलते चलते। चलते चलते प्यार दे दे चलते चलते। ओ बताऊं बेटा, रास्ते से गुजर रहा था तो एक पागल कुत्ता पीछे पड़ गया। देख लो ना मेरी क्या हालत है। आप ठहरिए, मैं देख के आता हूँ। देख लो बेटा, देख लो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कौन? मेरी बेटी है और कौन। उसी के लिए बेटी मैं मिठाई लेके उसके घर जा रहा था, मगर ये रास्ते में कुत्ता, यहाँ दूर दूर तक कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा। वो तुम्हें देखकर भाग गया होगा। खैर छोड़ो इन बातों को। आहा, किसी ने क्या खूब कहा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये खाओ बेटी। ये क्या है? रसगुल्ला। देखो ना, लो खाओ, खाओ। लो बेटे, तुम भी खाओ बेटा, खाओ, खाओ। सब खा गए होने वाले ससुर जी। तो अब ये गिरने वाले हैं बेटा जी। तुम्हारा जाल तैयार है। जाल तैयार है तो हम भी छोड़। लगता है रसगुल्ले में कुछ हिला गया है, मेरे को घूम रहा है सब। अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। होने वाले ससुर जी, दोनों इस तरह से, इस तरह से। अरे ये तो हमारा मैनेजर है मिठाई लाल, और साथ में वो रसगुल्ले वाला बुढ़ा भी है। लगता है मुझे पकड़ने के चक्कर में इन लोगों ने हमें चक्कर में डाल दिया। कोई बात नहीं, हम इनको भी खन चक्कर बना देते हैं। चलो ससुर जी, वो देखो दोनों भागे चले जा रहे हैं। देखो क्या भाग भागती के पीछे। मार गयो रे, हम मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। हम मार गयो रे, हम मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। हम मार गयो रे, हम मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। हम मार गयो रे। सुनो तो सनम, तुम्हें है कसम, जमाना बुरा है, तुम ऐसा न करना। तो फिर मैं क्या करूं दिलदार? इंतजार। मार गयो रे, ओ मार गयो रे, रसगुल्ला रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। ओ मार गयो रे, मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। ओ मार गयो रे। ना चमन में सुकून मिलता है, ना वीराने में चैन मिल जाएगा बेबी तेरे मिल जाने में। मेरे होने वाले ससुर जी, मेहनत गई बेकार, इंतजार। हे मार गयो रे, हे मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। हे मार गयो रे, ओ मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे। ओ मार गयो रे। गाने आए हैं ना बजाने आए हैं, यहाँ अपनी बिगड़ी बनाने आए हैं। कव्वाली में लोरी सुनाने आए हैं, मुकद्दर है सोया जगाने आए हैं। मेरे होने वाले ससुर जी, मेहनत गई बेकार, इंतजार मार गयो रे, ओ मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, ओ मार गयो रे, मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, ओ मार गयो रे। रसगुल्ला पहला दूजा जो बाप जी ने मारा तो सह गए हम। रसगुल्ला प्रेम भरा जो आप जी ने, जो आप जी ने, नहीं नहीं नहीं, जो आप जी ने मारा तो रह गए हम। तो फिर मैं क्या करूं जाने बहार, ओ मार गयो रे, ओ मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, ओ मार गयो रे, हाँ मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, ओ मार गयो रे, हाँ मार गयो रे, रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, ओ मार गयो रे। मार गयो रे, हाँ मार गयो रे। हैंड्स अप, दोनों उतर जाओ वरना गोली मार दूंगा। निकलो बाहर वरना गोली मार देंगे। चलो चलो। हाँ चलो बढ़ो आगे। तुम लोग नहीं चले तो मैं गोली मार दूंगा। हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। हिलना तो नहीं तो हम गोली मार देंगे। ऐसे डबल टूबी। अरे ये तो वही लोग हैं। अरे मारो पकड़ो, ये बेईमान हैं। मारो और मारो। अरे तुम्हारे मारने से और हमारे मार खाने से वो दोनों वापस नहीं आने वाले हैं। अरे ये लोग कहाँ गायब हो गए? चक्कर हो गए। और अब तुम तीनों हमसे हाथ मिलाए बिना उनकी जूतियाँ तक पा नहीं सकोगे। तुम दोनों बेईमान हो। पहले भी मिठाई में भांग खिला चुके हो। अरे भांग तो हमने उनको भी खिलाई थी मगर वो हमको भंगेरी बनाकर चले गए। मैं तो कहता हूँ समझौता कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। गमों से समझौता कर लो, कर लो समझौता। आइडिया बुरा नहीं। अरे दीदी होने वाले सब जी क्या कर रहे हो? समझौता। अरे पागल, अरे मेरे कपड़े क्या करता है? अरे अरे मेरे कपड़े दे दे। अरे मेरे कपड़ों को खराब मत कर। ओ पागल, ओ पागल मेरे कपड़े दे दे। देख देख मेरे से मजाक मत कर, मैं बहुत सजा हूँ। अरे मेरे कपड़े, अरे कोई है, अरे मदद करो। अरे मेरे बाप मेरे कपड़े दे दे। अरे देख मैं भाग भी नहीं सकता। देख अरे अरे कहाँ जा रहा है? मैं मेरी मोटरसाइकिल। नहीं क्या हो रहा है? जब देखो फोटोग्राफी फोटोग्राफी, न सीना न परोना न खाना पकाना, आखिरी सब है क्या? अंकल देखिए मैंने एक मर्डर एक्सपोज किया है। मर्डर? हाँ देखिए देखिए। ओह, ये तो राय साहब की बेटी कुक्कू की तस्वीर है। डार्लिंग ये कुक्कू कौन है? ओ डार्लिंग ये तुम नहीं समझोगी। अंकल देखो इस आदमी से कह दो अगर इसने किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी। मोना ये बिजनेस है, तुम हमें सिर्फ उस जगह ले चलो जहाँ ये हादसा हुआ है। मगर अंकल। कम ऑन कम ऑन लेट्स गो डार्लिंग कम ऑन। रोको रोको लेफ्ट लेफ्ट रोको। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे मत छूना ये भूत है। नहीं मैं भूत नहीं हूँ। मैं हूँ मैं। नहीं ये भूत है, मैंने तो इसे मरा हुआ देखा है। अरे मरने वाला कोई पागल था, उसने मेरे कपड़े पहने थे। शर्मा जी कुछ पता चला? एक्सीडेंट से चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका है मगर मरने वाले की जेब से ये कुछ कागजात मिले हैं जिससे पता चलता है कि मरने वाला मोटरसाइकिल चैंपियन हवा वाला था। मेरा ख्याल है इसके घर पर इंक्वायरी करने से असलियत का पता चल जाएगा। आइए चलें। चलिए समझे मामा? समझ गया भांजे। जो काम कुक्कू अधूरा छोड़ गई थी उसे हम पूरा करेंगे। आखिर कब तक ये भागदौड़ चलती रहेगी? जब तक जिंदगी है। तेरी कोई मंजिल भी है? मेरी मंजिल तो मेरे सामने है। तुम मर्द लोग बड़े खराब हो। तुम लोगों को उंगली पकड़ने को दो तो पोंछा पकड़ लेते हो। लेकिन क्या हुआ? क्या अगर कोई देख लेता तो उसमें क्या होता? बदनामी होती। अरे इस जंगल में है कौन देखने के लिए? है? वो देखो। मुझे क्या मालूम था कि इस जंगल में आपके रिश्तेदार भी रहते हैं। अगर गिर जाती तो? मुझे संभालने वाले पर विश्वास है। रात के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? रात के बारे में? हाँ मतलब रात ना गुजारेंगे। प्रॉब्लम? आइडिया। हाँ? यहाँ पास ही में मेरे डैडी का बंगला है, वहाँ कोई नहीं रहता। वेरी गुड आइडिया। बस आज हम रात वहीं गुजारेंगे। अलग अलग? जी नहीं एक साथ। आइडिया। ससुर जी होने वाले। अरे होने वाले ससुर जी, यहाँ से कुछ दूर पर राय साहब का फार्म है, हो ना हो बेबी वहीं गई होगी। अबे बेवकूफ तो इसमें चिल्लाने की क्या बात थी, यही बात धीरे से मेरे कान में कह दिया होता। फिर चालाकी करने की कोशिश की, इस बार धोखा दिया तो याद रखना। आप बात बात में बंदूक क्यों तान लेते? मैंने तो इसलिए कहा था कि पेड़ पौधों को भी कान होते हैं। ये घंटी कहाँ बज रही है? पास ही शिव भगवान का मंदिर है, उसी मंदिर की घंटी बज रही होगी। ओह, मैं समझा कि खतरे की घंटी बज रही है। चलो वहां चलकर प्रार्थना करते हैं। ना बाबा ना, मैं इस पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्या तुम नास्तिक हो? आस्तिक भी नहीं। और फिर जिस आदमी को बिन मांगी ही तुम जैसी देवी मिली हो, वो किसी देवता के चक्कर में क्यों पड़े? तो चलो चलकर शुक्रिया अदा करें। मेरी तरफ से तुम ही कर दो। जानते हो मैंने तुम्हारा माथा क्यों चूमा? इसलिए कि मैं तुम्हारी तकदीर बनना चाहती हूँ। जानती हो मैंने तुम्हारी आंखें क्यों चूमी? इसलिए कि मैं तुम्हारे सारे आंसू पी जाना चाहता हूँ। आंटी बुला रही है। तुम जल्दी जाओ और फौरन वापस चले आओ। तुम 5 मिनट ठहरो, मैं 1 घंटे में आती हूँ। गुड इवनिंग शिवजी। माफ कीजिएगा, आप तो जानते हैं जब भी मैं यहाँ आती हूँ पहले आपके दर्शन करने आती हूँ, और ये भी जानते होंगे कि आज मैं अकेले नहीं अपने उनके साथ आई हूँ और जन्म जन्म तक उनके साथ रहना चाहती हूँ। थैंक यू शिवजी, थैंक यू वेरी मच। गोपी इधर आ। मुझे तेरी ही तलाश थी। क्यों? ले ये खत पढ़ ले, सब पता चल जाएगा। पढ़ लिया ना? अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मौत के सिवाय कोई चारा नहीं। आज आखिरी रात है, रुपया या मौत। गोपी पूछो तो गोपी, मैंने भगवान से क्या मांगा? अरे तुम इतने सीरियस क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे बहुत हो गए। गोपी तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैं नहीं बदला, हालात बदल गए हैं। हालात तो उस दिन बदलेंगे जिस दिन हमारे सपने सच होंगे। हर तरफ रोशनियां जगमगा रही होंगी, दूर दूर तक शहनाइयों की आवाज गूंज रही होगी। तुम और मैं और तुम। नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी। बेटा साथ पकड़ लिया, नानी अम्मा का सर पकड़ लिया। मैं हूँ तुम लोगों का बाप। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? अच्छा तो हम लोगों से पूछे कि तुम लोग कौन हो? अरे इन दोनों के चक्कर में आना मत, ये दोनों वही हैं। कौन? अरे वही लड़की और लड़का, यानी के 50,000 की हुंडी। इन दोनों ने मेकअप कर रखा है। अरे होने वाले सब। हमने भी नौटंकी में बड़े बड़े रूप धारण किए हैं, हमसे एक्टिंग बाजी नहीं चलेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हो राय साहब की लड़की और ये वो फटीचर ड्राइवर। हम जा यार। अरे होने वाले ससुर जी, ये राय साहब हैं और ये पुलिस कमिश्नर साहब हैं। मालिक 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 मिठाई लाल रसगुल्ला मार गए, घुमा के रसगुल्ला, रसगुल्ला मार गए, घुमा के रसगुल्ला। हेलो, आपका फोन। हेलो, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आपकी बेटी कुकू मेरे कब्जे में है। क्या? अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो 17,000 रुपए 1 घंटे में मुझे अदा कीजिए। कौन हो तुम? अगर आप ये जान भी गए तो आपका पुलिस की मदद लेना आपकी बेटी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन इस वक्त वो है कहाँ? ये तो आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप 17,000 की रकम एक छोटे से ब्रीफ केस में रख के पानी वाले पुल के पीछे पुराने चर्च में रख देंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें रुपया मिल जाएगा, लेकिन इस बात का वादा करो तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वादा किया। 17,000 रुपए पुराने चर्च में ठीक 1 घंटे बाद। नहीं, सवाल सिर्फ मेरी बेटी की जिंदगी का नहीं, मेरी इज्जत का भी। याद है मैंने तुमसे कहा था तुम एक पुलिस कमिश्नर नहीं एक दोस्त बनकर मेरी मदद करोगे? हाँ, मुझे दोस्त बनाकर ही साथ ले चलिए। हरगिज नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं, आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूं और मेरे लौटने तक तुम यहीं ठहरोगे। ए, कहां जा रहा है? बोलना कहां जा रहा है? मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है। तू सौदा करने जा रहा है ना? कल तूने अपना स्वेटर बेचकर मुझे रोटी खिलाई थी ना? आज शायद किसी और चीज का सौदा करने जा रहा है। और सच पूछ गोपी, तो मुझे भूख ही नहीं लगती, तुझे देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। सच कहा था तूने, अगर एक बार इंसान को जिंदगी में प्यार हो जाए तो बस फिर खल्लास, जिंदगी बरसात नहीं छोड़ता। और फिर तेरे साथ तो मैंने जिंदगी को जीना सीखा है, तेरे ही साथ मरने की तमन्ना भी है। इतना विश्वास मत करो मुझ पे, कहीं मैं दामन छुड़ा लूं तो तुम्हारी अपनी जिंदगी तुम पर बोझ बन जाए। भला कोई अपने दामन का भी दुश्मन बना है? कभी कभी तकदीर इंसान को अपने आप का भी दुश्मन बना देती है। तू पागल है रे, शायद तू मेरी अमीरी से डरता है। गोपी, जिस तरह तूने मुझे प्यार किया है मेरी अमीरी से भी मोहब्बत कर। मैंने तेरे साथ तेरी गरीबी को भी चाहा है। तुझे पाने के लिए अगर मुझे अपना घर बार, धन दौलत सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू। ठीक वक्त पे आ गए। उम्मीद है आप खाली हाथ नहीं आए होंगे। अब बैग बंद कीजिए और अपने दाहिने तरफ की खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। लेकिन मेरी बेटी? आपकी बेटी का पता टेप रिकॉर्डर में मिलेगा और टेप रिकॉर्डर चर्च की सामने वाली दीवार में है। आपकी बेटी कुकू चर्च के पीछे पुराने रेलवे यार्ड में बोगी नंबर 1270 में मिल जाएगी। बोगी नंबर 1270। Better. Oh, Mama, I missed you very much. Daddy, आपने तो खामखा आने की तकलीफ की। मैं तो खुद ही एक दो दिनों में आने वाली थी। शाबाश है बेटी। कहते ऐसे रही है जैसे भागकर नहीं पिकनिक मनाने गई थी। Of course, कौन कहता है मैं भागकर गई थी? Daddy, मैं भागकर गई थी क्या? नहीं बेटे, तेरी माँ तो मजाक कर रही है। डैडी, मैं आपको एक फैंटास्टिक न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ। मुझे शर्म आती है। अच्छा सुनिए, मैंने वो लड़का ढूंढ लिया डैडी। कौन? वही जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। जिससे तुम शादी करना चाहती हो? कहीं वो ये आदमी तो नहीं? Yes, of course. यही है वो हैंडसम। हेलो हैंडसम। देखिए डैडी, है ना हैंडसम? आपको पसंद है? लेकिन अंकल, आपको ये पर्स कहाँ से मिला? टेप रिकॉर्डर के पास। अगर ये वही आदमी है जिसे तुम अपना जीवन साथी चुनना चाहती हो तो ये जान लो बेटी, इसने अभी तुम्हारे डैडी को ब्लैकमेल किया है। What? Yes, 17,000 रुपए लेकर तुम्हें राय साहब तक पहुंचाने वाला यही वो आदमी। डैडी, क्या ये सच है? बोलिए ना डैडी, क्या ये सच है? ये गलत भी नहीं। क्या मुझे अब भी कानूनी कार्रवाई करने से रोकोगे? हाँ, मैं इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहता हूं। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा था, अगर आज कुकू को कुछ हो जाता तो अपने दोस्त को दिए हुए वचन पर पानी फिर जाता। पार्वती, आज मुझे वो रात याद आ रही जब कुकू के माता पिता ने मरते वक्त उसे हमारी झोली में डालकर वचन लिया था कि इसकी परवरिश में कोई कमी ना आने देना और वक्त आने पर किसी अच्छे लड़के के साथ इसका घर बसा देना। हम तो आज भी वचन निभा रहे हैं। हमने उसे अपनी औलाद से बढ़कर प्यार किया है। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप कहते कहते रुक क्यों गए? कुछ डर सा लग रहा है कुको वो गलती ना कर बैठी हो जो कभी जवानी में हम लोग कर बैठे थे। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये चिंता की नहीं, खुशी की बात है। लेकिन क्या समाज एक दिन बेहाई औरत के बच्चे को कबूल कर लेगा? आज से हम दोनों पति पत्नी, भगवान साक्षी है। ये सब झूठ था, उसके मन में खोट था और इसलिए उसने शादी से पहले तुम्हें माँ बना दिया। कम बात 2 दिन का वादा करके गया और आज तक शक्ल नहीं दिखाई। दे दो ये बच्चा मुझे। नहीं भैया, एक औलाद को उसकी माँ से जुदा मत करो। क्या आप जानते नहीं ये मेरा पहला और आखिरी बच्चा है। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये तुम्हारा पहला और आखिरी बच्चा है, लेकिन ये पाप है, पाप। नहीं, अगर ये रहा तो मुझे भी इसके साथ रुसवा होना पड़ेगा। दे बच्चा मुझे, मैं कहता हूँ दे दे ये बच्चा मुझे। ये लो, मैंने जो कहा था वो याद है ना? इसे लेकर इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारा ख्याल भी हम तक न पहुंच सके। और ये लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। दुनिया में आज तक किसी माँ ने अपनी दूध की कीमत वसूल नहीं की। मेरी भी औलाद थी जो पैदा होते ही परलोक सिधार गई, लेकिन अब भगवान ने मुझे औलाद दे दी। भगवान ने मुझे औलाद दे दी। पार्वती, पार्वती मैं आ गया हूँ। ये क्या किया मैंने? कितना अच्छा होता अगर हमारा बेटा यहाँ होता तो कुकू की शादी उससे कर देते, लेकिन न जाने वो बेचारा कहाँ होगा। चंदू। हाँ माँ जी। तूने वो खत मेरी बेटी के हाथ में दिया था ना? हाँ माँ जी, मैंने अपने हाथों से वो खत उसके हाथ में दिया था। फिर अभी तक गोपी क्यों नहीं आया? गोपी बेटा। गोपी। माँ तू यहाँ? हाँ बेटा, वो अजीत के आदमी बस्ती को आग लगा रहे हैं। कमीने कुत्ते। गए साले, वे लोग तो भाग गए, लेकिन हम लोग भाग कर कहाँ जाएंगे? आज नहीं तो कल वे हमें बस्ती से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। इस बैग में बस्ती के किराए के साथ साथ जमीन की कीमत भी मौजूद है। आज के बाद कोई माई का लाल तुम्हें इस बस्ती से निकाल नहीं सकता। हाँ चलो। मेरे गोपी की! मेरे गोपी की! बेटा एक बात पूछूं? इतना पैसा तू कहां से लाया? ये मत पूछ मां, क्योंकि सच मैं बता नहीं सकता और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर, चैंपियन हवा वाला केस के सिलसिले में हम कहां तक पहुंचे? सर, चैंपियन के घरवाले हॉलीडे मनाने के लिए कश्मीर गए हुए थे, कल ही वापस लौटे। इंक्वायरी करने पे पता चला कि उसके हाथ में एक कीमती घड़ी भी थी, तकरीबन 10,000 रुपए की, जो लाश के हाथों से गायब है। 10,000 रुपए की? जी हाँ। इंस्पेक्टर, क्या ये मुमकिन नहीं किसी ने चैंपियन हवा वाला का मर्डर करके उसकी घड़ी उतार ली हो और उसकी लाश को मोटरसाइकिल समेत किसी खाई में फेंक दिया हो? इट इज पॉसिबल सर। मेरे ख्याल से हमें ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए जो उसे बहुत करीब से जानते हो। आई मीन उसके कुछ खास दोस्त। ओके सर। गोपी का एक्सीडेंट हो गया। बेटे। माँ जी माफी चाहता हूँ मैं। नहीं बेटे, दरअसल मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। जानता हूँ, तभी तो मैंने अपना ट्रक आपकी कार के आगे लगा दिया, वरना आपकी कार इस खाई में होती। हाँ। अगर तुम नहीं होते। ना 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 ना, आप ये मत कहिए कि मैंने आप पे कोई एहसान किया है। गोपी बेटे, गोपी बेटे, अरे तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे कैसे हो सकता है? देखो तुम्हारे सामने हट्टा कट्टा खड़ा हूँ। अरे ये क्या? तेरे माथे से खून निकल रहा है। नहीं भाई, ये तो मामूली बात है। अरे माथे से खून निकल रहा है और तू कह रहा है मामूली बात है। अरे पर ये सब हुआ कैसे? ये दरअसल ऐसे हुआ कि इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। गाड़ी का? हाँ। अमीरों की गाड़ी में ब्रेक ही कहाँ होते हैं बेटा। पैसे वाले तो चलना जानते हैं, वो भी सर उठाकर। और चलते समय रास्ते में उनकी अपनी औलाद भी आ जाए तो वो परवाह नहीं करते। इनका काम तो चलना है बस। नहीं बहन, ये एक हादसा था और हादसे जानबूझकर नहीं होते। सेठानी जी, जिस माँ ने अपने बच्चे के पैर में कांटा तक चुभने न दिया हो, वो अपने बेटे के माथे पर जख्म देखकर कैसे चुप रह सकती? लगता है तुम्हारी कोई औलाद नहीं, वरना इसके माथे का खून तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर टपकता। अरे माँ, ये क्या कह रही है? मुझे तो इस बात की खुशी है कि इनके कहीं चोट नहीं आई। पर तू तो जानती है माँ, इन जख्मों का तो मैं बचपन से आदी हूँ। ये दर्द तो मैंने जन्म से पाया है। खैर आइए माँ जी, मैं आपको घर छोड़ाऊं। नहीं बेटे, मैं काफी शर्मिंदा हूँ। अब और मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं बहन, ये तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख उठाकर सुख पाते हैं। जा बेटा, इन्हें छोड़ा। आइए, आओ बेटे अंदर आओ। अच्छा माँ जी, मैं चलूं? तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई बेटे। अगर आपने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मुझे दुख होगा। अगर तुमने इसे कबूल नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा। माँ जी, अगर आप सचमुच सुख पाना चाहती हैं तो मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। तुमने मुझे माँ कहा बेटे। माँ अपने बच्चे को पानी नहीं, दूध पिलाती है। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। आओ जी, बैठो। हाय ब्लैकमेलर, लगता है पैसे खत्म हो गए। इस बार कितने लेने आए हो? 10,000, 20,000, 50,000? बोलो बोलो, शर्मा क्यों गए मिस्टर फ्रॉड? मैंने अपने इन हाथों से जितनी दौलत उड़ाई है, शायद तुमने अपने पैरों से उतनी मिट्टी भी नहीं उड़ाई होगी। दौलत के लिए तुमने मोहब्बत जैसी पाक चीज का सौदा किया। तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगी। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। मैं तुमको अच्छी तरह जान गई हूँ गोपी। तुमने बहुत फरेब दी है मुझको। अब और धोखा खाने की मुझ में हिम्मत नहीं। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। कुकू, मुझे कुछ समझाने का मौका नहीं दोगी? गोपी प्लीज डोंट टच मी। कुकू, कुकू, क्या कहना चाहते हो बरखुरदार? मुझे यकीन था दौलत की हवस तुम्हें मेरे दरवाजे तक जरूर खींच लाएगी। सच तो यह है कि किसी का प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया है। और वो प्यार है मेरी बेशुमार दौलत। सेठ जी, मुझे गौर से देखिए, क्या मैं आपको बुरा इंसान नजर आता हूँ? क्या मेरे चेहरे से यह जाहिर नहीं होता कि मेरी रगों में एक शरीफ खानदान का खून दौड़ रहा है? तुम्हारा यहाँ ना महज इस बात की दलील है कि तुम एक नीच खानदान से ताल्लुक रखते हो। राय साहब, आप मुझे जो जी में आए कह लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को गाली देने का आपको कोई हक नहीं। तुम गंदी नाली के नापाक कीड़े मुझे धमकी देते हो। जी मैं आता तुम्हें हवालात में बंद करो, लेकिन निकल जाओ। आई से गेट आउट। ठहरो, एक बात और याद रखना, आइंदा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। ये क्या किया आपने? घर आए मेहमान को आपने घर से निकाल दिया? घर आया हुआ हर आदमी मेहमान नहीं होता। उसने मुझ पर एहसान किया है, मेरी जान बचाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे खानदान की इज्जत को लूटने की कोशिश की। उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। मेरी कहानी मेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी पर मेरी कहानी। वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो तुझसे प्यार नहीं करता। उसने तुझे बेचा है, तेरे प्यार को बेचा है। उसने तुझे बेचा है, तेरे प्यार को बेचा है, तेरे प्यार को बेचा है। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था गोपी। मुझसे कहा होता मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देती। बेटा, जमींदार ने धमकी दी है कि 3 रोज के अंदर बस्ती की जमीन का किराया न दिया गया तो सारी बस्ती को आग लगा देगा। आज आखिरी दिन है, कल सुबह तक 17,000 रुपए का इंतजाम न हुआ तो भगवान जाने कितने गरीबों को भिखारी बनना पड़ेगा और कितने लाचारों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। 17,000 दिल वाले दिल देकर आंखें नहीं चुराते। हाथ छोड़ो, नखरे न दिखाओ। दिखाओ ना। बेशक इस खत से जाहिर होता है कि उसने गरीबों की मदद करने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया जी। लेकिन कल को यह भी हो सकता है कि वो किसी और की मदद करने के लिए तुम्हारी जिंदगी का सौदा कर बैठे। मैं ऐसे आदमी पे एतबार नहीं कर सकता। डैडी, I know him very nicely, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। Shut up! बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हें अपनी मनमानी करने दी, लेकिन अब तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे। तो क्या आप ये चाहते कि मैं खुदकुशी कर लूँ? मुझे धमकी देती है। आज से इसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, ये मेरा हुक्म है। राय साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बड़े खुश मिजाज है राय साहब। आप ये क्या बात है, बहुत खामोश है। सर में कुछ दर्द हो रहा है। एक्सक्यूज मी। राय साहब, हम दोनों के इन बच्चों में क्या काम, चलिए बात चल के बातचीत करेंगे। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। हाँ आइए आइए, बात चल के बैठेंगे। जानती हो तुम्हारे पिताजी मेरे मामा जी से कौन सी बातें करना चाहते हैं? जानती हूँ, मेरी बर्बादी की। बर्बादी की नहीं, अपनी शादी की। प्लीज मिस्टर अजीत, अपने आप में रहने की कोशिश कीजिए। तुम मुझे गलत समझ रही हो बब्बू। औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी मर्द को समझती है, और मैं किसी को अपना समझ चुकी हूँ। कहीं वो मर्द मुफलिस गोपी तो नहीं? मिस्टर अजीत, इंसान अपनी गरीबी से मुफलिस नहीं होता, अपने कर्मों से मुफलिस बनता है। और ऐसे ही कुछ कर्मों का भरम मैं अपनी जेब में लिए फिरता हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम मुझे अच्छी तरह समझ चुकी होगी। वैसे मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालने की आदत नहीं, लेकिन अगर निकालने की जरूरत पेश आई तो मैं इसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगा। वैसे मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा यकीन है कुकू डार्लिंग। अब तुम सिर्फ मुझसे शादी करके ही अपने खानदान की बर्बादी को रोक सकती हो, पर इसके अलावा तुम्हारे सामने कोई चारा भी तो नहीं। भांजे मुंह तो मीठा कर लो। आ रहा हूँ मामा जी, मैं जरा पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा था। क्यों कुकू? तो आप लोग मोटरसाइकिल चैंपियन हवा वाला के खास दोस्त हैं? यस सर। आप ये बता सकते हैं कि उसका दुश्मन कौन था? दुश्मन? दुश्मन की क्या बात करते साहब, मैं तो उनके दोस्तों के बारे में जानती है कि नहीं बाबा जी? बराबर परमानंद जी। साहेब उसका दुश्मन कौन हो सकता है, वो तो यारों का यार था। अरे मेरा तो एकदम फास्ट फ्रेंड था साहेब, मगर सॉरी उसके सर पे तो एक ही भूत सवार रहता था साहेब, वो अपना राय साहब है ना, राय साहब उसका छोकरी कुकू, राय साहब की बेटी कुकू। कुकू बेटी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अंकल आप आइए आइए, कैसे हैं आप? हमारा क्या है बेटी, हम तो किसी खूनी के सामने भी होते हैं तो भी यही कहते हैं कि अच्छे। एल्फ्रेड हिचकॉक, स्टोरीज माय मदर नेवर टोल्ड मी। तो हमारी बेटी आजकल मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ रही है। बेटे जी, मैं भी तुम्हारे पास एक मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ। मर्डर केस? मोटरसाइकिल चैंपियन हवा वाला मर्डर केस। पहचानती हूँ? नहीं अंकल, मैं नहीं पहचानती। इस आदमी ने तुम्हारे साथ कभी कोई शरारत की थी? मेरा मतलब है रास्ते में छेड़छाड़। रास्ता चलती लड़की से तो कोई भी छेड़छाड़ करता है। आप किस किस को याद रखेंगे अंकल? यू आर राइट। मैंने सोचा था शायद इस मामले में तुमसे कोई मदद मिल जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय बाय। अपनी शादी में बुलाना ना भूलना। हाँ। कुकू! वो नहीं आएगी छबीले। गरीबों की आवाज अमीर लोगों के कानों तक नहीं पहुंचती। उसे आना होगा, उसे आना होगा। कुकू, गोपी, कुकू, गोपी, कुकू, गोपी, कुकू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोपी, गोपी, मैं बहुत मजबूर थी। मोहब्बत कभी मजबूर नहीं होती, लेकिन औरत कभी कभी मजबूर हो जाती है। अजीत के हाथों मेरे कातिल होने का सबूत लग चुका है। कैसा सबूत? ये देखो, इट्स इम्पॉसिबल, ये झूठ है। दरअसल तुम्हारे हाथों चैंपियन का खून हुआ ही नहीं था, वो तो हम दोनों ने तुम्हारे साथ ड्रामा किया था। गोपी, ये तुम क्या कह रहे हो? चैंपियन का मर्डर तुमने नहीं किया, और अगर चैंपियन का मर्डर हुआ है तो उसमें सिर्फ अजीत का हाथ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्यार की कसम खा के कहता हूं कि जब तक अजीत को गुनहगार साबित ना कर लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गोपी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे? डैडी, नहीं, मैं आपको इस बात करने नहीं दूंगी। हाँ, रुक जाइए राय साहब, मम्मी ठीक कह रही हैं। आप इस भिखारी को मेरे हवाले कर दीजिए और मेरे आदमी इसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। अशोक, ले जाओ। अजीत, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी राय साहब। ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। नहीं, मैं जोर से बोलूंगा, गला फाड़ के बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, सारे बच्चे को जाके बोलूंगा। ये ना कि जुल्म का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। शाबाश, समझ गया। मामा, मैंने अपने रास्ते का एक और कांटा भी साफ कर दिया है। कल ठीक 4:30 बजे मेरी शादी की अग्नि जलेगी और ठीक 4:30 बजे गोपी और चैंपियन की मौत की अग्नि चलेगी, और उसके बाद हम लखपति बन जाएंगे। लेकिन भांजे, इस बार 50-50। डन डन, 50-50। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी जिंदगी बर्बाद करके जश्न मना रहे हैं। मोना, दिस इज बिजनेस। घाटे का बिजनेस मैं नहीं करती। अगर अजीत ने मेरे अलावा किसी और से भी शादी की तो मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ दूंगी। ओह माय डियर चाइल्ड मोना, कुछ बातें ऐसी होती है जो बच्चे नहीं समझते। मेरी बात तो सुनो, जिद मत करो। आओ मेरे साथ, आओ, मैं सब समझा देता हूँ। आओ मेरे साथ। क्या करें आप अंकल? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए अंकल, छोड़ दीजिए। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। कैसे रामू काका? हा, वेरी गुड। पंडित जी, सब ठीक है ना? आयो, हो गया जी। माँ, माँ, इस शादी को रोको। माँ, ये शादी नहीं, बर्बादी है। अरे कुकू बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। डैडी, आप कहें तो मैं आपके हाथों जहर भी खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शादी का जोड़ा नहीं पहनूंगी, यही ना कुकू? मैंने तो सिर्फ तुम्हें बेटी की तरह पाला है, लेकिन तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, उनकी आत्माएं तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई होंगी। अच्छा हुआ वो बेचारे यतीम देखने से पहले चल बसे। ऐसा मत कहिए डैडी। कुकू, तुम बेशक अपने माता पिता की आत्मा को दुख दे सकती हो, लेकिन इतना याद रखना, अगर मैं तुम्हारे पिता को दिया हो वचन पूरा ना कर सका तो इस घर से तुम्हारी डोली उठे ना उठे, मेरी अर्थी जरूर उठ जाएगी। गोपिया! अगर गोपिया का कहीं पता नहीं चला। गोपिया! हंगामे किया उसका अड्डा का भी पता नहीं मालूम। चल ए, 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 ओ, मिल गई मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्ही से मिलने बस्ती की ओर आ रही थी। अजीत ने गोपी को कैद कर रखा है और खुद हुकू से शादी करना चाहता है। और अगर ये गोपी कहाँ है? गोपी चूना भट्टी में कैद है। ये क्या किया? अरे मैं जो कुछ ठीक किया। अरे दुश्मन भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, आज अपनी तरफ कल अजीत की तरफ। अरे वाह कबूतर, मान गई। सुनो, तुम लोग चूना भट्टी जाकर गोपी को छुड़ाने की कोशिश करो, मैं शादी रुकवाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसे जाके शादी रुकवाओगी? क्यों? अरे पागल, शादी रुकवाने का तरीका मैं बताता हूँ। ऐसी तरकीब बताऊंगा, ऐसी तरकीब बताऊंगा, शादी तो क्या लोगों की सांसें रुक जाएंगी। नमस्ते राय साहब। मालिक, बाहर एक बुढ़िया आपसे मिलने आई है। उससे? जी। कौन हो तुम? क्या बात? मेरा एक बेटा है, नादान है, जवानी के जोश में आकर आपके होने वाले दामाद से लड़ बैठा। भला उसे क्या मालूम कि गरीब तो हमेशा अमीरों से दबने के लिए पैदा हुए हैं। कौन है तुम्हारा बेटा? बोलो, कौन है तुम्हारा बेटा? गोपी। गोपी? वो बच्चा है, वो नाग है नाग। तुमने अपनी कोप से एक इंसान को नहीं, एक सांप को जन्म दिया है। सेठ जी, सेठ जी, अगर गोपी आपका अपना बेटा होता और आपको कोई इतनी बड़ी गाली देता तो आपके दिल पर क्या गुजरती? मैं ऐसी औलाद के पैदा होते ही उसका गला घोट देता। ये एक ऐसा इंसान कह रहा है जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं। बुढ़िया! सेठ जी, दौलत के घमंड में आकर खून और नाखून के रिश्ते को मत भूलिए। मैं आपसे आपकी खुशियों का सदका मांगती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा गोपी मुझे दे दीजिए। रंग में भंग मत कर बुढ़िया, तेरा गोपी मेरे बस में नहीं। नहीं नहीं सेठ जी। मालिक, ऐसा मत कहिए। मालिक, मालिक चलिए, बारात आ गई। अच्छा सेठ जी, मुझे भागन पर दया करके चाहिए। सेठ जी दया कीजिए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। आइए, किधर हो? आइए भाई साहब, मुबारक। सरकार, सरकार, सरकार दया कीजिए, दया कीजिए मुझ बुढ़िया पर, दया कीजिए सरकार, सरकार दया कीजिए, सरकार दया कीजिए, दया कीजिए। इस औरत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल। सरकार दया करो, मेरी औलाद मुझे लौटा दो। सेठ जी, अरे दया कीजिए सरकार, अरे सरकार, भगवान देख रहा है, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सेठ जी, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, कभी भला नहीं करेगा। अरे मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। अरे सेठ जी, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, कभी भला नहीं करेगा, कभी भला नहीं करेगा। अशोक, चूना भट्टी जाकर गोपी को जिंदगी की कैद से आजाद कर दो। मैंने तो आपको 2 दिन पहले आने के लिए तार दिया था और आप हैं क्या? बहुत गुस्से में हैं आप, माफी की कोई गुंजाइश नहीं। जाओ, माफ किया, लेकिन ऐसे मौके पे भी खाली हाथ? खाली हाथ नहीं आया हूँ राय साहब, इस वक्त तो ऐसा तोहफा लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलेंगे। ऐसा कौन सा खुशी का खजाना उठा लाए भैया? आज मैं आपको आपकी खोई हुई औलाद लौटाने जा रहा हूँ। क्या? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, क्या वो मिल गया? क्या वो औरत तुम्हें मिल गई? जिसे राय साहब, वहाँ देखिए। यही है वो औरत जिसके हाथों में मैंने आपका बच्चा सौंपा था। कहाँ है मेरा बच्चा? बोलो, कहाँ है मेरा बच्चा? अभी तो बिल्कुल जवान हो गया होगा, पूरे 22 साल का। तुम चुप क्यों हो? वो बोलती क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा गोपी ही हमारा खोया हुआ बेटा हो? गोपी और तुम्हारा बेटा? अरे वो तो सांप है, सांप। क्यों सेठ जी? ये क्या कह रही आप? गोपी जैसा बेटा आपके घर में पैदा होता तो सेठ जी उसका गला नहीं घोट देते। क्यों सेठ जी? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि गोपी हमारा बेटा? खबरदार जो गोपी को तुमने अपना बनाने की कोशिश की। गोपी मेरा खून है, गोपी मेरा बेटा है, तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं, तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। फिर वो कौन है जिससे हमारा वास्ता है, जो हमारा बेटा है? ये बताना मेरे बस में नहीं। क्यों सेठ जी? तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन भगवान के लिए हमें हमारे बच्चे का पता बता दो। तुमने जो हमारी औलाद के लिए दुख से है उसके लिए हम तुम्हारा दामन दौलत से भरने के लिए तैयार। तुम सौदेबाज लोग अपनी सारी दौलत देकर भी एक माँ के दूध की कीमत नहीं चुका सकते, समझे? अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांगू तो लो, मैं तुमसे तुम्हारे गोपी का सदका मांगता हूँ, हमें हमारी औलाद लौटा दो। बारात आ चुकी है सेठ जी, जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से रंग में फंग पड़ जाए। सुनिए बहन, माना कि मैंने अपनी औलाद को जन्म दिया है लेकिन आपने तो उसकी परवरिश की है, आपका हक उस पर हमसे ज्यादा बनता है। लेकिन आज एक माँ झोली फैलाकर एक दूसरी माँ से भीख मांगती है कि एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बच्चे की झलक दिखा दीजिए। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या हो रहा है साहब? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अजीत, इस औरत को गोपी का पता बता दो। गोपी? उसे तो मेरे आदमी कब का दूसरी दुनिया में पहुंचा चुके होंगे। क्या तूने मेरे गोपी को मार डाला? मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। बढ़िया। सेठ जी, गोपी आपका ही बेटा है, बचा लीजिए गोपी को, बचा लीजिए। आपका बेटा है गोपी, सेठ जी आपका बेटा है। गोपी मेरा बेटा है। बस बस, बहुत हो चुका है नाटक, अब शादी की तैयारी कीजिए। मुझे बर्बाद करके तुम शादी करना चाहते हो? राय साहब, बर्बाद तो आप ये शादी न करके होंगे, समझे? राय साहब, आपका खोया हुआ बेटा गोपी और कुकू दोनों मिलके एक कत्ल कर चुके हैं। ये देखिए, ये तस्वीर इन दोनों के कातिल होने का जिंदा सबूत है। अगर आपने शादी जल्द से जल्द ना की तो ये तस्वीर पुलिस के हाथों में होगी और आपकी इज्जत चौराहे पे। भाई साहब, मुबारक हो। अरे, इस खुशी के मौके पर खामोशी कैसी? तो भाई साहब, आप चुप क्यों हैं? भाभी, ये सब क्या हो रहा है? खान भैया, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी तो है जमा रातें। सुनो जरा दिल की बातें, होंगी अभी मुलाकातें, इनसे उनसे हमसे तुमसे नहीं। कोई आने वाला है। ओ गोपिया मेरा जिया, लागे ना ओ गोपिया मेरा जिया, लागे ना। आशीर्वाद देने का कष्ट नहीं करेंगे? दे दीजिए ना। ठहरिए, सबसे पहले मेरा आशीर्वाद तो ले लीजिए। तुम? तो फिर ये कौन है? ये वो साहिब की बाबा। अरे भांजे, इसे तो हमने चूना भट्टी में कैद कर रखा था। ए, तुम बाहर कैसे आ गए? मैं तो बाहर आ गई। अब तुम दोनों के अंदर जाने की बारी है। तेरे को अंदर मैं करता हूँ। चैंपियन हवा वाला, हाँ। तुम जिंदा हो? हाँ। अरे ये तो कब का मर गया होता, वो तो हमने अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचा ली। हाँ। खबरदार, अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। नौजवान, तुम नादानी कर रहे, बेहतर है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। भांजे, इस शख्स की बातों में मत आना। माना कि बाजी हम हार चुके हैं, लेकिन किसी को जीतने भी नहीं देंगे। हमारा बच्चा। अबे जीतने वाला तो कब की बाजी जीत चुका है पाखंडी, अब तो सिर्फ बदला लेना बाकी है। बेटे, बेटे, ये तेरे माँ बाप है। पाँव छू, पाँव छू बेटे, बेटे, बेटे। भाग रहा है। मैं जा रहा हूँ। मेरी दाढ़ी ना तकलीफ दे रही है, संभालो। मैं अपने दोस्त को मारा, बेशरम। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। मैं माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। मुझे समझना क्या जी, पहले दाढ़ी दिया, अब ये मूंछ देता है। हमको बेवकूफ बनाता है क्या? नहीं। बिरयानी लो। अब बचना मुश्किल है। लगता है तो कुछ ऐसा ही है। फिर अपना काम दिखा दे तो शुरू करे। करो। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। इंस्पेक्टर शर्मा, ले चलो इन्हें। चलो। अरे मुझे क्यों विधवा कर रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चलो। स्वामी प्राणनाथ मुझे उठा लो। अरे सरकारी दामाद, रसगुल्ला तो खा लो। नहीं, भूसे की रोटी खाना। साले जी आप खाइए रसगुल्ला। हाँ, फुग्गा फूटा दिल न टूटा। अच्छा शुक्र है, आप खाइए, आप खाइए। छोड़ूंगा बाद में। मालिक आप खाइए, आप खाइए रसगुल्ला। तमनीन जी, तमनीन जी, अरे आशीर्वाद मिल गया। अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी। अब इसमें आज वो नहीं है, आज नहीं है, नहीं है तो खा देते हैं। अब ये मेरा हिस्सा है। मार गए रे, मार गए रे। जो आप जी ने, नहीं नहीं नहीं, जो आप जी ने मारा तो रह गए।